हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा ही आप सबको पता होगा कि कल तीज का व्रत होता है और उसमें बहुत सारी तैयारियां होती है, तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि उस तीज में कौन कौन सी तैयारी होती है। और मेरी माँ तीज का व्रत रखती है, तो अभी उन्हीं से चल के पूछते हैं कि तीज का व्रत क्यों रखा जाता है और बाकी पूरा विधि विधान वही बताएंगी। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमंस डेली व्लॉग्स। दिस इज़ योर फ्रेंड चिराग बैक विथ अनदर व्लॉग। और कल है तीज, सो चलिए देखते हैं इस तीज हम क्या कर रहे हैं। कल हमारी हरितालिका तीज का व्रत है और उसकी जो है तैयारी वो आज से ही शुरू हो जाती है, जिसके लिए कि आप देख सकते हैं मैं ये मेहंदी का कोन लेकर के बैठी हूँ जो मैं अभी लगाऊंगी। ये व्रत सभी महिलाएं अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए करती हैं कि घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो सब कुछ, एंड बेसिकली अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और पहले इस में मोस्टली इस व्रत में शिव जी की और पार्वती जी की पूजा होती है और साथ में गणपति जी की भी पूजा होती है। और एक्चुअली इसकी कथा में हम लोग जैसा सुनते आए हैं पुराणों में ये लिखा हुआ है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था, इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत का जो शुभ समय है वो इस बार आज की रात 2:30 बजे से लेकर के कल की रात, यानी आज की रात 8 तारीख हो गई है, आज 8 सितंबर रात 2:30 बजे से लेकर के कल 9 सितंबर रात के 12:30 बजे तक पूजा हो सकती है इसकी। और हमारे यहाँ ये पूजा कल के दिन शाम को होती है प्रदोष काल में, मतलब जिस वक्त दिन और रात का मिलन होता है उस समय ये पूजा होती है। तो ये पूजा मैं कल करूँगी और अभी फ़िलहाल मैं मेहंदी लगाऊँगी। और इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरी तरह से तैयार होकर के पूजा करने के लिए बैठती हैं, तो वो कल मेरा बेटा आपको दिखाएगा कि कैसे हमने पूजा की। अभी तो इस पूजा की तैयारियां ही हो रही हैं और उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ा इंतज़ार करें और आपको ज़रूर अगले व्लॉग में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पूजा को एंजॉय करेंगे। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए और फिर मिलती हूँ कल आपसे और बताती हूँ कि फिर और क्या क्या करना है। ये मुझे ये मेहंदी की डिज़ाइन नेट पर थोड़ी अच्छी लगी है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं ये अपने हाथ पर उतार सकूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग एंड होपफुली आई कैन डू दैट। लेट्स सी। ये कोन तो मैं लेकर के आ गई थी मार्केट से। शायद इसका रंग काफ़ी गहरा आएगा। कोन काफ़ी अच्छा है और बहुत आराम से मेहंदी इसमें से निकल रही है।
अच्छा कोई नहीं। तो दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, इस व्लॉग का दूसरा पार्ट भी आएगा। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।